नमस्कार। मुंबई में आज जोरदार तूफान के साथ हो रही है बरसात और इसी वजह से ओवरहेड तार टूटने की वजह से माटुंगा और सायन के बीच सेंट्रल लाइन पूरी तरह से ठप हो गई। चलिए हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। जी हां, ठप होने के बाद जब लोकल ट्रेन सेवाएं रुकी उसके बाद भी मुंबई कर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, यही तो खासियत है मुंबई कर्ज की, जो हर परिस्थिति में हमेशा चलते रहते। देख सकते हैं सभी के सभी लोग ट्रैक पर चलकर जी हाँ अपने अपने ऑफिस या अपने अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है माटुंगा स्टेशन। बता दें आपको, माटुंगा और सायन के बीच में ओवरहेड तार टूटा, जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स थे वो ट्रैक पर चलकर ही पैदल अपने अपने जॉब या अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चल दिए, जिसको देखकर लोगों ने एक ही कमेंट किया कि वाकई में मुंबई कर बनना आसान नहीं, जो हर परिस्थिति में तैयार रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, मुंबई में चाहे वेस्टर्न लाइन हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हो, चाहे कहीं पर भी बात कर ले, पूरे मुंबई में इस वक्त जोरदार हवा यानी तूफान बह रही है और इसके साथ जी हाँ बरसात हो रही है। और इसी बरसात की वजह से जो है ओवरहेड तार टूटा, जिसकी वजह से लोकल ट्रेन सेवाएं फिलहाल ठप चल रही हैं। इसलिए अगर कहीं आप जाने की दूर सोच रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरत कर निकले, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज मौसम विभाग के द्वारा से येलो भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज तूफान के साथ आज जोरदार बरसात होने की संभावना जताई गई है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके इलाके में भी कहीं पर भी सड़कों पर गड्ढे या पानी भरा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचा सकें।